गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं शांति का गेम, जिसके अंदर बतखों को मारा जाता है। तो ये है अपना वेलकम गिफ्ट, जो कि मैंने स्किप कर दिया। छोड़ो यार, मुफ का ही माल था, बेकार होगा पक्का। तो ये है अपना पहला मोड, पता नहीं क्या करना। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, नया हुई दरमान मत। इंडियन गाली देकर कोई मतलब भी नहीं है, ये चाइना वाले को समझ में ही नहीं आएगी। चाय बनाने की ऑटोमेटिक मशीन, अरे वो छोड़ो भाई, हमको किचन में क्यों पूछ दिए लाए। मेरे को चूहों की बिरयानी बनानी नहीं आती है, निकालो। फाइनली गेट खुल गया। अरे भाई क्या ही मस्त रूम है, टीवी कितना बेकार लगाया ला बुड्ढे ने, घर के सामने इसने क्या क्या बना के रख दिया। भाई इसके अंदर देखो, ग्रेनेड को जैसे ही हाथ मिले वैसे किधर फेंकना वो बता दिया। अरे मतलब पिन खींचने से पहले ही लाइन आ जाती है। और ये देखो सीओडी का स्पैरो कॉपी मारा इधर। मेरे को नॉर्मली पहले क्रॉसबो लगे, लेकिन इनके तीरों के अंदर तो विमल का दम है। और फिर जो ग्रेनेड है जो की बम की तरह फट है, वो बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। भाई मैं सही गेम में तो आया हूँ ना, बता मेरे को। तो अभी बना चुके नए वाले मोड के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा वो मेरे को भी नहीं पता। तो यहाँ पे सब लोग बीच में भाग गए। एक सेकंड, ये रेड दिख रहा, ओ ऊपर कुछ है, हट जाओ, मारोगे, मर गए। लगता है इधर सबसे ज्यादा दिमाग वाला मैं ही हूँ। ओ एक सेकंड, क्या अगर हम लोग प्रोन हो जाए तो बच जाए। मेरे को देख ले, मर गया, वापिस जिंदा भी हो गया, तो फिर दिक्कत क्या है। 10 साल अब तक डरता नहीं हूँ मैं। सामने जितनी भी बड़ी चुनौती हो, हिम्मत करके लड़ जाओ। अबे भाई मेरे पीछे कोई नहीं ले। अरे तो फिर दिक्कत क्या है, इसके अंदर ही मरो, उठो कॉइन लेके भगो, आ जाओ मान ले। जो इतनी मशक्कतों से एक कॉइन उठाया था वो भी गया, पापड़ों के साथ अचार बेलना पड़ा इस वाली। ए मुंह के आगे कोई ना ले। वो दोनों अंधों को देखो भाई, उनके मुंह के आगे कोई नहीं लेने ले। अब लास्ट वाला कॉइन मेरे और एनिमी हम दोनों के सामने है, लेकिन मैं ही लूंगा उसको। तो चलो ये वाला स्टेट तो कम्प्लीट हो गया। फिर आ जाता है अपन पहाड़ चढ़ने। आधे लोग इधर से गिर के पतने वाले, लेकिन इधर एरो दिए, गेम के माध्यम से चलूंगा मैं। ये देखो, क्योंकि गेम हमेशा सही रास्ता दिखाता है। ए, ये क्या है, ये लोग माध्यम तोड़ के मेरे से आगे निकल गए। लगता है ये लोग पुराने खिलाड़ी है, इनके पीछे चलना। अरे वो गिर गया, इसको जाने देता हूँ पहले। हाँ भाई तू जा, पुराने खिलाड़ी बोला ना मैंने, जंप भी बिल्कुल कैलकुलेटेड मारेंगे ये लोग। ये देखो ये नूबड़े, कौन सी चाइनीज पे तेको गाली दो। वो बच गया मैं, तू एकदम फटाफट आगे जा, मैं आराम से आता हूँ। मर गया ये भी। लगता है अब मुझे चुनौतियों वाला सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड यार, ये मेरे को क्यों लगेगा सामने वाले वुडन प्लांट टूटने वाले। ओए आगे जा तू, मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे ये जा ही नहीं सकता, कितनी छोटी जगह है, मेरे को ही जाना पड़ेगा। बच गया, कूदते मुताते मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये बंदा मेरे से आगे कैसे निकल गया, ऊपर। अच्छा अच्छा भाई तुम आगे ही रहो, मेरे को दूसरा नंबर भी चलेगा। ये पहाड़ पे से मैं फिसल तो नहीं जाऊंगा ना, तू चढ़। हाँ नहीं, चलो आगे बढ़ते, तीसरा नंबर भी चलेगा अपने को। ये पहले वाला वुडन प्लांट मेरे को लगता टूट जाएगा अपन दूसरे वाले से जाते। गेम तुम्हारी चालाकियां मेरे आगे नहीं चलने वाली। तो गाइस अभी अपने को एक बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट जंप मारने की है। ये मैं चला क्या पहुंच जाऊंगा, ओ पहुंच गया, फर्स्ट ट्राई में ही क्लियर। अब इसके ऊपर, अबे आगे कैसे निकल गया, जान में जान है। चलो आगे बढ़ते। अब मुझे लगा कि पूरा स्टेज इजी था, लेकिन गेम के अंदर जो जंपिंग जंप वाला सिस्टम था, इसके अंदर लॉजिक नहीं था। अगर तुम हवा में आगे जा रहे हो तो तुम आगे जाओगे, लेकिन अगर तुम जॉयस्टिक छोड़ दोगे तो वो हवा में रुक जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया और आगे बढ़ा, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचने के बाद भी हार गया। भाई मेरे को सामने दो बंदे खड़े दिख रहे, तीसरा अंधा कहाँ पे। मैं बता देना हूँ, गेम चाइना के लोगों के लिए बिका हुआ है। तो बात करते हैं जो क्लासिक का मेन मोड आया है उसकी, पैराशूट का बैग देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा लेवल 3 का बैग नहीं होता है। तो हर जगह पे ऐसे पिप्पो बना दिए है इन लोगों ने, असली नाम तो चाइनीज में था, पढ़ के क्या ही कर लूंगा। मैंने अपना नाम दे दिया पिप्पो, पिप्पो के अंदर तुम्हें मिलेगी लूट। वैसे कमेंट के अंदर बताना किस किस लोगों को पता है पिप्पो, कुछ याद आया कि नहीं। इसके पास जाने के बाद चाइनीज में कुछ ऑप्शन आया, बिना पढ़े ही मैंने दबा दिया। वैसे पढ़ के भी कौन सा उंधा हो जाता, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नाच नाच के क्या नाटक कर ला। लेकिन जैसे इसने रेड बटन दबाया, भाई लूट की तो नदी बरस गई नदी, इतना सारा माल। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या यूज करने का है। तो हमें हमारे साथ मिलता है पिप्पो, जो की हीरिंग का कोहरा ही कोहरा बना देता है। पबजी में सिर्फ अमीर लोगों के पास चिलगुजो होते, इधर मेरे को फ्री में मिल गया। पापा जी वालों को सीख लो इनसे। लेकिन चाइना का माल थोड़ा टेंशन तो होला, बीच में बंद नहीं पड़ जाए। एक और चीज मिली जिसको अपन रस्ते में फेंक के देख लेते हैं। गाइस पक्का फ्लैग आने वाली है, ऐसा लग रहा है। A few moments later. कड़कती धूप के अंदर बैठ के मैं वेट कर रहा हूं, बॉट हटना, वैसे ड्रॉप करने के ठिकाने नहीं है। रुको मैं चेक करके आता हूँ, ये फ्लैगन की आग बराबर सुलग ही नहीं होगी। अबे ओए जला दिया पिप्पो, मेरे को हील कर। पिप्पो खुद जल के मर गया। अबे क्या मन बुद्धि चूसा था वो, बॉट भी आ गया। मेरे को तो लगा ही था चाइना का माल ना ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। वैसे मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूं क्योंकि इसको मैंने ही मारा है। और पिप्पो मर गया, मर गया। रोना धोना बहुत हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये टाइम है मेरे को अपना चाइना के अंदर भी पावर दिखाने का। ये मेरा एक एम का स्प्रे, मत देखो आंखें बंद कर लो। कोई ना, हमारे पास इलोन चाचा की है मर्सिडीज कहां से, अपने पिप्पो की चिलगुजे वाली कार है, जो कि अपने छोटे मोटे पर लेके उड़ भी लेती है कभी कभी। इससे ही मारेंगे, थोड़ी स्पीड
बड़ा ले, इसको कुचलने का है। और हमने कुछल दिया। बेटे दिख मत जाइयो आज के बाद इस इलाके में। अबे इतनी अच्छी लाइन बोली थी, कुचल देना। ओ सामने लाल कलर की डासिया है, हट जा मेरे रास्ते से, क्योंकि अब मुझे तुझ जैसी तुच्छी गाड़ी की जरूरत नहीं है। एक बार इस अंडे के फंडे को बस चलता हुआ देखो। पिप्पो भाई मक्खन का थैला खोल दे, अमूल वालों को पीछे छोड़ देगा बटर में। क्या अंदर विमल की पिचकारियां, जुबा केसरी वाली मेरे को ढूंढने दो। अरे नहीं, पेट्रोल की जगह इसमें मक्खन जाता है। ये देखो घर के ऊपर से उड़ेंगे अपन। जंप, बॉल की तरह बाउंस हो गई ये तो। तू गाइस यहाँ पे कुछ रॉकेट का सिंबल आ गया, अपन उधर ही जा ले। रास्तों पे बड़ी बड़ी कठिनाइयां, दूर से तो लगी थी बड़ी बड़ी कठिनाइयां लेकिन हुई नहीं उतनी बड़ी। क्या स्पीड में चढ़े अपन। तो अपन लोग आ जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे अपने को आने का था, सपनों के शहर बम्बई नहीं कोंकई। ये क्या बनाते हैं इन लोगों ने, उस वाली जगह को देखो कितना ज्यादा डेवलप। जो बेचारे रैंक पुश इधर आते होंगे वो तो बहुत दुखी होंगे, उनके घर को उजाड़ के फेंक दिया। अबे रोड के बीच में किन नुबड़ों का स्टैचू है, तोड़ना पड़ेगा। रुको एक बार नाम देख लेता हूँ। अभी तो मैं हूँ मैं। अरे गाइस मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत प्रो प्लेयर है। बाकी के पीछे के तीन नुबड़े कौन, वो नहीं पता। ओ भाई पूरा एनिमेशन में दिख रहा, देखो चलिए ऐसी की जैसी बोर्ड पूरे मोमेंट की ऐसी तैसी करवा दी। किधर तू, एकेएम के पूरे स्प्रे में, स्प्रे नहीं मानना, टैप टैप मार देता गाइस। देखा सिंपल काम को हार्ड कई को बनाना, मेरे को जोन में जाने का और ये गाड़ी का फ्यूल खत्म। पीछे की साइड कुछ तो बहुत बड़ा बनेला, इसके पीछे क्या, इसके अंदर घुसो। तो लूट तो दुनिया भर की पड़ी थी, बट जोन चाचा अपने को बुला रहा था, उसके पास से जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा ना। वैसे गाइस इस वाली गेम के अंदर जोन के बाहर का जो हीलिंग का सिस्टम है वो बहुत अलग है। तुमको नीचे की साइड दिख रही है चार लाइन है बॉक्स, तो जोन के बाहर वो नीचे वाले बाल खत्म होते हैं, ना कि तुम्हारी एक्चुअल हेल्थ जाती है। जोन में जाते हो रास्ते में मेरे को एक बेचारा नॉक पड़ा हुआ एनिमी दिखता है, मैंने उसे अपने कंधे पे उठा के जोन में ले जाने वाली परेशानी बिल्कुल भी नहीं उठाई। 635 मीटर का किल, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जैसे तैसे मरता मुला था जोन में पहुंच ही जाते अपन। मेरे को लगा था गाइस अपनी गाड़ी बच गई। गाइस अगर तुम सामने की तरफ देखोगे तो दो पेड़ है। अब तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्रॉस कर पाऊंगा, यानी अपने मन में सोचो, अपने दिमाग के अंदर दौड़ा, अपने दौड़े नहीं घोड़े, बिना लेफ्ट राइट किए मैंने सीधा क्रॉस कर दिया। क्या स्वैग में एंट्री मारी है जोन में। इधर अपने को पिप्पो का कूल भाई मिल जाता है, जो की अपनी फिल्मों वाली स्वैगनेस दिखा के अपने को बहुत सारी चीजें दे देता है। दोबारा के जब देखते तो ये सारी चीजें अपने को मिली हुई होती है। ये पिप्पो भी जोन से मर गया। मैंने अपने बैकपैक पर तिनक तारा लगा दिया। तिनक तारा कितना बढ़िया है ना एनिमियों के लिए, आंख बंद करके मार देंगे वो मेरे को। वैसे तो बहुत लोग थे, कोई बीच कैंप करने वाला था भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दिमागी घोड़े ने बोला पानी से जा। मैंने सोचा जमीन में इतनी अच्छी चल ली, पानी में तो कितनी बढ़िया चलेगी। ये भाई धोखा दे दिया इसने। वो सब छोड़ो भाई, क्या लंबे लंबे किल मार रहा हूँ मैं, अपने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ। अब मैं इधर बैठा, मेरे को पता नहीं अपनी हेल्थ कितनी है, और मैंने फेंक दिया जमीन का भगोड़ा, पानी के अंदर भी जल लेला भाई। उसको देखने के चक्कर में मैं नॉक हो गया। मैं इसी की बुझती हुई आंखों से अपने आशाओं के किरण जड़ाऊंगा। उस तक पोस्ट पत्ते खत्म हो गई। अबे अब तो कुछ बच्चा ही नहीं है इंतकाम दिखाने को। ऐसे फेट पकड़ा जैसे भाई बहुत जोर की लगी हो। ये अपने हथौड़े पहाड़ों वाले का स्टेज टू था, लेकिन मैं स्किप कर दिया क्योंकि मुझे बोरिंग लगा। लेकिन तुम लोग देखो एनिमे बहुत ज्यादा फनी हो जाएगा। तो इधर मेरी गाड़ी में कोई दूसरा नूबड़ा बैठ गया, और इतना नूबड़ा था ना वो, क्या गंदे ड्राइविंग कर रहा था। उसको चाइनीज में बोलू भी कैसे तुम्हें खुद। तो मैं निकला नई गाड़ी लेने, लेकिन फिर सोचा चलो भाई मुफ्का माली लूट रहा था, क्योंकि इसके पास साथ में बैठ के भी मेरे को पॉइंट भी ले लेते हैं। लेकिन इसने धोखा दिया। कोई ना गाइस अपन लोग वहाँ सामने दूसरी गाड़ी ले लेते। कौन सी दूर है, बस सामने ही आ गया, देखो बस सामने, बहुत दूर है यार, नहीं चला जाता इतना, बैठा लो। कोई नहीं गाइस अपन अभी भी, इसकी माँ का दो लोगों ने खत्म भी कर दिया। अबे यार जल्दी चलो। तो लोग इस वाले मैप का पूरा चक्कर मार के आ गए, मैं इधर ही हूँ अभी तक। देर से ही सही, अंधेर थोड़ी है। मैं उनके कितनी देर बस स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद भी क्वालिफाई हो गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जीत का नंगा नाच करने के बाद अपने को स्पेक्टेट करना होता है। तो अब यहाँ पे एक और बंदा क्वालिफाई हो जाता है। अब तीन लोग बाकी और एक जगह खाली है। अब इस वाले दुबड़े को देखो भाई, सामने इतना ईजी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर पाया और अपनी गाड़ी फंसा दी वो अलग। अब यहाँ पे जो दूसरा बंदा, उसको भी बस एक पॉइंट चाहिए, और तीसरे वाले को ये तो घर का दूध लाने गया, छोड़ो। अब ये मन बुद्धि नई गाड़ी लेने नहीं गया, बल्कि पैदल क्रॉस कर देना है। इसके दिमाग को सात चप्पलों के तोपों की सलामी। अंधेरे को दिख भी नहीं, सामने वो कितना दूर है। अब इतना कुछ होने के बाद भी इसके अंदर अकल नहीं आती है। ये सामने गाड़ी लेने की जगह सामने वाले पॉइंट पे भागता है। तब तक तो दूसरे बंदे ने खत्म भी कर दी, तो भागता ना पूरी जिंदगी। तो बस गाइस आज का वीडियो क्लिप सिर्फ इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, या अभी तक किया ना तो कर देना। मैं मिलता तुमको अपनी अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।